सब्सक्राइब नहीं किया तो 50,000 सब्सक्राइबर दिसंबर तक करना है, मतलब करना है। बोलो जोर से। गाइस वेलकम बैक टू एसआरआर व्लॉग्स। हां दजोश, तो ऐसी चीजों पे पार्शियलिटी की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अरे मत डरो, हालत खराब है सबकी, क्या होगा आगे, बने रहे व्लॉग में देखने के लिए। जमीन में घुस के जाएंगे अब बच्चा जान के हमको मार देगा। चल पैट्रियोटिक थीम तो वो है ही है। उनका क्राइटेरिया ये था कि उनका ट्रेडिशनल गाना उसमें यूज होना चाहिए, लद्दाखी सॉन्ग होना चाहिए। दूसरी चीज है, सबसे मेन रीजन है, बता दो फटाफट इसमें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसआर व्लॉग्स। आज हमारा दिन 17 30 डेज चैलेंज डांस इन लद्दाख का, एंड बच्चे लगभग आ गए हैं थोड़े थोड़े, और आज बहुत ही स्पेशल डे होने वाला है इन लोग के लिए, मेरे लिए भी हो जाएगा, देखते हैं अभी। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और 9 बजे हमें निकलना है ट्रायल देने के लिए। 15 अगस्त को यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन होता है, हर जगह होता है बेसिकली, तो जितने भी लद्दाख के स्कूल है वो एक जगह पर आएंगे और कॉम्पिटिट करेंगे। खैर मैं तो ये सब कराता नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर आया हूँ एनुअल डे कराने के लिए, बट बीच में इनका 15 अगस्त हो गया है, तो हमने जो प्रिपरेशन कराई एनुअल डे के लिए वही चीज़ हम इधर भी कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा बहुत अप डाउन है क्योंकि वो हम स्टेज पे करेंगे और आज जो हमें करना होगा वो ग्राउंड पे करना होगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब सॉर्टेड है। और देखो यार, मेरा तो ऐसा होता है कि मैं तो मतलब कॉम्पिटिशन वगैरह में लेके जाता हूँ नहीं, और यहाँ पर क्या मतलब मैंने जैसे पिछले साल मैं पूंछ भी गया था, तो वहाँ के बच्चों लोग ने भी किया था, वहाँ पर भी करवाया गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था मतलब बच्चों ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया बट प्राइस कोई नहीं आया, वो वहाँ के मतलब किसी और स्कूल को दे दिया गया। तो ऐसी चीज़ों पे पार्शियलिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, कहीं कहीं होते कहीं कहीं नहीं भी होते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं यहाँ पे होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू मुझे। बस इतना पता है कि प्राइज़ मिले ना मिले परफॉर्मेंस बहुत फाड़ होने वाली है। बस हम करते हैं अपना काम, फिलहाल मुझे ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ से आधे घंटे बाद यहाँ से निकलेंगी टीम, तो आप भी हमारे साथ निकल चलना हमारे कैमरे पर बैठ के, ठीक है, बाकी सब एकदम मस्त है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 50,000 सब्सक्राइबर दिसंबर तक करना है, मतलब करना है, भाई ने बोला करना है तो करना, बेल आइकन को खींच के बम से मार दो, अभी उड़ा डालो। ये हैट मेरी टेढ़ी क्यों लग रही है, आपको लग रही है क्या, कमेंट करके बताना जरा, टेढ़ी है अभी सीधी, अभी भी टेढ़ी है बताना थोड़ा कमेंट में, अभी सीधी है टेढ़ी है आप पे छोड़ दिया मैंने, चलो। चलो आओ। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं पर हम एक रिहर्सल लेंगे, बिकॉज वार्म अप बहुत ज़रूरी है, वह वरना ढीले ढीले हो जाएंगे सब, तो एक वार्म अप देन यहाँ से निकलेंगे 10 मिनट के अंदर। बोलो जोर से। फास्ट चलाओ गोली, गिरो एक एक करके। गोल। वो जो दो बच्चे हैं ड्रेस में लद्दाख के, उनको यूज करना है तो लेकर आओ उनको मेरे सामने। बेटा आओ इधर आओ, इनको बता दो उनको कहाँ पे खड़ा होना है, इनको एकदम बीच में खड़ा कर दो। हमारा एक छोटा सा रिहर्सल हो गया है और रिहर्सल के बाद अब हम रेडी हैं चलने के लिए। मुझे अंदर से लैपटॉप लेना है, पेन ड्राइव लेना है, बाकी सारा सेटअप ले लिया, स्पीकर भी लेके चल रहे हैं खुद की वाइब बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? हेलो कर दो। क्या बात है, जय हिंद।
नहीं। हेलो कमांडर। यस सर। चुपचाप एकदम बैठ जाना ठीक है यहाँ पे। अरे सब इतनी जगह कहीं भी बैठ जाना, इतना क्या सोचना। गर्ल्स टेंशन है? अरे मत डरो, बम नहीं फटेगा। कौन है, डर लग रहा है ये पीछे से बोल रहा है। डरने मतलब डांस करने वाले लोग डरे तब तो हो चुका। तो यहाँ बहुत सारे स्कूल आए हैं और बच्चे कह रहे हैं बहुत डर लग रहा है। सोनम को ज़्यादा डर लग रहा है ना सोनम? बहुत डर लग रहा है। हालत ख़राब है सबकी, क्या होगा आगे? बने रहे ब्लॉग में देखने के लिए। कौन डरता है, कौन मरता है? जिसकी मौत होगी वो यहीं पर गिर जाएगा इधर ही। वेल स्टेडियम में है तो ये अच्छा है हमारे लिए कि हम जो एक्ट करेंगे उसमें हमारा शाउटिंग है और शाउटिंग में आवाज़ गूंजेगी तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। बाकी माइनस पॉइंट क्या क्या है वो तो होने के बाद पता चलेगा। एनर्जी बहुत लग गई है। हिम वैली बेवरेज मिक्स फ्रूट पल्पी जूस रिच विथ विटामिन सी, पूरा पढ़ा डालूंगा मैं इसको। भाई साहब छुट्टी हो गई है, पीछे देखो। तो हमने ये वर्ल्ड कप जीत लिया है और हमें वर्ल्ड कप में मिला 2 करोड़ की गन मिली है हेरा फेरी वाली। अंदर लॉलीपॉप, मुंह से बाहर निकाल छोटा बच्चा, जान के हमको मार दिया। चल अंदर चलो साहब, पूरी बस हाईजैक कर रखी है मैंने। अंदर चलो अंदर चलो लड़की, अंदर चलो, पूरी की पूरी बस हाईजैक कर रखी है मैंने। अंदर चलो। अभी इसका मेन कमांडर कहाँ है? आओ, ये किडनैप किडनैप है ये बस। अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो वरना अंदर चलो। आइसक्रीम अभी, ये बस हाईजैक हो चुकी है, ये जाएगी सीधे सेंट पीटर स्कूल ठीक है। व्हाट्सएप। तो हम आ चुके हैं वापस अपने स्कूल में और अब इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करेंगे। टाटा करो, बाय कर दो सब लोग ठीक है। इसको खाने का कितना, पूरा खा जाने का एक बार में? A few moments later. Good evening all of you. वहाँ से आने के बाद आपने लास्ट व्लॉग देखा, लास्ट व्लॉग आने के बाद मेरी बैटरी रन आउट कर गई थी, पूरी बंद हो गया था GoPro। उसके बाद में उसे चार्ज लगाया, चार्ज लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट्यूम का काम था वो किया और उसके बाद यहाँ पे और भी एक दो लोग आ गए थे थोड़ा रिगार्डिंग स्टेज डेकोर ये सब, तो उनसे बात होने लगी थी वो किया। फिर उसके बाद एक और आ गए थे, उनसे बात किया वो किया, तो मतलब बहुत ज़्यादा शेड्यूल इधर उधर, बॉडी में एकदम रेस्ट नहीं मिला है। और अभी उसके बाद मैं एडिट का काम कर रहा था, गाने एडिट जो स्कूल में मेरे को यहाँ पे करने हैं, अपना एडिट नहीं सॉन्ग एडिट है स्कूल का वो।
ओके, बाकी जहाँ आपने अभी देखा, जहाँ हम गए थे अभी थोड़ी देर पहले वो स्टेडियम में, वहाँ का रिजल्ट आ गया और स्कूल को सिलेक्ट नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई। उनके कुछ, मुझे पता है रीज़न, ये पता है कि उनके कुछ क्राइटेरिया थे जो हम फॉलो नहीं किए थे पहले से, बिकॉज मैंने ये जो सर्जिकल स्ट्राइक कराया वो स्कूल के हिसाब से कराया था, मैंने उनके हिसाब से नहीं। और रही बात पैट्रियोटिक की, तो पैट्रियोटिक थीम तो वो है ही है। उनका क्राइटेरिया ये था कि उनका ट्रेडिशनल गाना उसमें यूज़ होना चाहिए, लद्दाखी सॉन्ग होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, सबसे मेन रीज़न है, उनको चाहिए था 5 मिनट के ऊपर का एक्ट, नहीं 9 मिनट का हमारा एक्ट है और उनका जो क्राइटेरिया 5 मिनट इज़ अ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप करोगे तो फिर डिस्क्वालीफाई। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, तो ये चीज़ वो पहले बोल देते परफॉर्म करने से पहले बच्चों के, उन्होंने बच्चों को परफॉर्म कराया उसके बाद वो बोलते हैं, मतलब मेरे से उन्होंने बोला कि ये 9 मिनट का सॉन्ग है बट हमारा 5 मिनट का है। बट उससे पहले जब मैंने उनसे परफॉर्म करने से पहले पूछा था तो उन्होंने बोला ठीक है आप करो, कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं। सो आफ्टर परफॉर्मेंस वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा एक्चुअली ये हमने आपको पहले बताया था ऐसा वैसा। सो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इतना क्यों, मतलब बातों को ऐसे घुमाया गया है, बट जो भी है कोई मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, हमें जो करना वो करेंगे, मतलब कि हम एनुअल डे के लिए कर रहे थे वो तो होना ही है। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे आपसे कल की कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, नेवर गिव, ऑलवेज ब्लेस्ड, 11,000 फीट ऊपर लद्दाख।